और आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा था अभी आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा था बॉलीवुड के अगर दस नाम दे दो, पांच नाम पूछू तो आप दस नाम देंगे आईपीएल के दस नाम पूछू तो आप कितने देंगे बीस दे देंगे लेकिन अगर तीसरा प्रश्न में पूछू कि आपके लड़के या लड़की के पांच मित्र के नाम आप मुझे बताएं नाइन्टी परसेंट विल फेल कमिटी मेंबर सब फेल तो पिछले वाले तो सब फेल ही हो जाएंगे आगे वाली फेल है तो. तो बॉलीवुड के नाम आईपीएल के नाम क्या आपके लड़के लड़की के मित्र के नाम से ज्यादा आपको जरूरत है वहाँ मुंबई में एक लड़का अजीत नावर टेंथ बोर्ड में टॉप टेन में ट्वेल्थ बोर्ड में टॉप टेन में मतलब कितना तेजस्वी होगा उसकी इच्छा थी मैं मेडिसिन करूँ पिताजी की इच्छा थी आप इंजीनियरिंग करो लेकिन क्योंकि पिताजी का एक अधूरा सपना था कि मुझे इंजीनियर बनना है वे नहीं बन पाए इसलिए वो सपना अपने लड़के पे ठोक देते थे अजीत नाभर की इच्छा थी मुझे डॉक्टर बनना है पिताजी की इच्छा थी और आग्रह था कि आपको इंजीनियर बनना है चलो ठीक है ओपन एग्जाम दी उसमें भी टॉप रैंक पे आया ही गॉट एडमिशन एट आई आई टी पवाई दैट इज आई आई टी मुंबई वॉट प्रेस्टिजियस नंबर वन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ द कंट्री लेकिन इच्छा नहीं थी मन नहीं था इंजीनियरिंग में प्रथम सेमिस्टर में चार सब्जेक्ट में फेल सेकेंड सेमेस्टर में फेल पूरा सा, साल बिगड़ा तीसरे सेमिस्टर में जब वे ऐसे ही लॉबी में बैठे थे अपने मित्रों के साथ कुछ क्लास में तो जाते नहीं थे वहाँ से प्रोफेसर मैकेनिक्स के निकले और अजीत की जरा हंसी मजाक की कि अजीत पता है ना पंद्रह दिन के बाद हमारी फाइनल एग्जाम है और आप इंटरनल एग्जाम्स में तो अपेयर भी नहीं हुए थे और आपको ज़ीरो मार्क्स है तो एक्सटर्नल एग्जाम्स में पास होने के लिए आपको इतने मार्क्स तो चाहिए अजीत ने बो कुछ बोला नहीं ऐसे देखते रहे तो प्रोफेसर ने ज्यादा हंसी उड़ाई कि मुझे पता है कि आप तो मेरे एक्सटर्नल पेपर में दस मार्क भी नहीं ले पाओगे और अजीत के अंदर जो उसकी शक्ति थी वो इस शब्द से खिल उठी अजीत ने अपने प्रोफेसर को कहा कि सर व्हाट इज योर रिकॉर्ड इन योर सब्जेक्ट उस प्रोफेसर ने कहा इट्स 70 आउट सिक्सटी फोर आउट ऑफ सेवेंटी अजीत ने अपने प्रोफेसर को चैलेंज दी आई विल ब्रेक आई आई टी रिकॉर्ड दिस टाइम इन योर सब्जेक्ट टेक दिस फ्रॉम मी टूडे वो वार्तालाप के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में गया और लाइब्रेरी को पूछा कि मैं थर्ड सेमेस्टर में और मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है कौन सी पुस्तक इसमें पढ़नी पड़ती है पंद्रह दिन के बाद एग्जाम है लाइब्रेरी ने कुछ बताया कि ये सब पुस्तकें पढ़ना चालू कर दिया रेफरेंस बुक रिफर करना चालू कर दिया मेहनत की और पंद्रह दिन के बाद एपियर हुआ और उस सब्जेक्ट में ही स्कोर्ड सेवेंटी बाकी के सब पेपर में फिर फेल वो एक चैलेंज उठा ली थी उसने उसका मन नहीं था दो साल के बाद वो ड्रॉप आउट हुआ और आज अजीत नाबर मुंबई में सांता क्रूज विस्तार में अपने पिताजी के साथ एक ऑर्डिनरी गैरेज में मैकेनिक के रूप में काम कर रहा है क्या करियर होने वाली थी क्या हो गई जब हम जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से समझते नहीं अपने बच्चों की उनकी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं समझते थे कोरोना के समय में हमें अच्छा वक्त था होप कि आपने ये वक्त का अच्छा उपयोग किया है कि आप अपने परिवारजन को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न किया हो खास करके आपके बच्चों को एंड इफ ऑल दे आर इन देर टीन एज ऑल दे आर इन देर यंग एज तो समझने की बहुत जरूरत है सत्यनदेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने सीईओ बने तब कोई पत्रकार ने उनको प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस सत्य नदेला ने बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने मेरी हर क्रिया में बहुत रस लिया दूसरी बात मुझे स्वतंत्रता भी दी और नियंत्रण भी रखा स्वतंत्रता इस बात की दी जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड विंग्स बोथ तो स्वतंत्रता इस बात की दी कि मेरी जो सोच थी मुझे जो पढ़ाई करनी थी मुझे जो खेल मतलब गेम्स खेलनी थी उसमें स्वतंत्रता दी और नियंत्रण क्या रखा व्यसन ना लग जाए कोई कुआदतें ना लग जाए कुसंस्कार ना लग जाए उस पर नियंत्रण रखा और तीसरी बात वे बोले बहुत अच्छा शब्द प्रयोग उन्होंने किया सत्यानंद ने इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि माय पेरेंट्स वर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे माता पिता सबसे बड़े मेरे प्रेरणा मूर्ति हमेशा रहे हैं क्यों उन्होंने मुझे फ्रीडम और कॉन्फिडेंस दोनों दिया तो इस तरह से हम टीनेजर्स और यंगस्टर्स से पेश आते हैं मैं अगर आपको पूछूं कि बॉलीवुड के पांच नाम दे दो आप दस दे देंगे ये सो नो बोलो तो सही खाना बाकी है खा लिया खा लिया तो इतनी कमजोरी क्यों दिखती है भाई एनर्जी तो होनी चाहिए ना हम कल रात को साढ़े बारह बजे अहमदाबाद से आए पूरा कार्यक्रम था अहमदाबाद में फिर सुबह छह बजे उठ के सूरत गए दोपहर को साढ़े तीन बजे सूरत से वापस आए और अभी आपके कार्यक्रम में पिछले पौने घंटे से खड़े खड़े बोल रहा हूं छह चेहरे पे थकावट तो आप तो यहाँ ही थे इतवार का दिन था दोपहर को लेट के आए हो तो बात हम ये समझ रहे थे समय टाइम केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की सत्य नदेला ने यह बात की और आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा था अभी आपको मैंने प्रश्न क्या पूछा था बॉलीवुड के अगर दस नाम दे दो पांच नाम पूछू तो आप दस नाम देंगे आईपीएल के दस नाम पूछू तो आप कितने देंगे बीस दे देंगे लेकिन अगर तीसरा प्रश्न में पूछूं कि आपके लड़के या लड़की के पांच मित्र के नाम आप मुझे बताएं नाइन्टी परसेंट विल फेल कमिटी मेंबर सब फेल तो पिछले वाले तो सब फेल ही हो जाएंगे आगे वाणी फेल है तो तो बॉलीवुड के नाम आईपीएल के नाम क्या आपके लड़के लड़की के मित्र के नाम से ज्यादा आपको जरूरत है ये तो पता होना चाहिए आपके लड़के लड़के किसके साथ मित्रता है कहाँ जाते हैं कहाँ घूमते हैं क्या खाते पीते हैं किसके साथ बाहर जाते हैं हमें कोई ज्यादा नियंत्रण की बात नहीं करते हैं इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना वो नहीं है आपको अब पता चला ना मैंने आपको 25 मिनट पहले कहा था कि जैसे ही आगे बात बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि आप समय में केयर में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम उतर रहे हो कहा था ना आपके मुंह से मैंने हाँ कहलवाई कि हम कम उतर रहे हैं तो ये सभी चीजें हमें परिवार में बहुत ध्यान रखना है